अगर मसूद नहीं हाँ तो चुप करें एक मिनट, जो आपके यहाँ कुछ मुसलमान खामोश हो जाते हैं मुसलमानों पर जुल्म देखते हुए और तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको दे देते हैं कुछ ना कुछ आप लोग, ना मेरा मुंह खुलवाएं। अतर काजमी, उन मुसलमानों को जिनकी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमानों को भी मिलते हैं, कौन है वो मुसलमान, कितनी परसेंटेज है उन मुसलमानों की? इस देश में 20% से ज्यादा है और आपके यहाँ हिंदू 20% से घटकर 3% हो गए। आप हमसे बात करेंगे माइनॉरिटीज की? आप भूल गए कि आपने अहमदिया मुसलमान, मैं अब्दुल कलाम को साइड पे कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान है, हमारे यहाँ पे भी मुसलमान है, वहाँ पे भी मुसलमान है। कमर आगा साहब आते हैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में, बहुत बड़े सहाफी हूँ, नो डाउट इन इट, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म के हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, कमर आगा साहब खामोश हो जाते हैं, मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा भारत में बेहतरीन हालत में जो मुसलमान मौजूद है उनसे आज सवाल है, जो पिसने वाले मुसलमान है उनके लिए वो मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाते? अहमदिया मुसलमानों को मस्जिद पर अटैक किया जाता है और आप कहते हैं कि आपने जस्टिस किया है मुसलमानों के साथ। अतर मुझे एक सवाल का जवाब दें, जितने भी मुसलमान वहाँ बेहतर किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन में हैं, बात करने की पोजीशन में हैं, वो मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते जो बेचारे सफर किए जा रहे सिर्फ इस बात से कि मुसलमान हैं? और 1947 में उनके भाई जाद ने इनका साथ दे दिया था, भारत का कायदे आजम का साथ नहीं दिया था? आपने अपनी बात कर ली, जरा मुझे कंप्लीट करने दे मेरी बात। अच्छा, मैं पहले तो बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के हवाले से इन्होंने बात की। हमारे वजीर आजम जब यूनाइटेड नेशंस में गए तो उन्होंने कहा कि बहसीत मुसलमान अगर हम पे मुश्किल वक्त आया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो हम आखिरी अपने खून के कतरे तक लड़ेंगे। अब मैं बेशर्मी बताता हूँ, बेशर्मी ये होती है कि जब सुन तो लो ना यार, सुन तो लो भाईजन, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप मेरी बात तो सुन तो लें, फिर आप अपना जरूर जवाब दें। अब उनकी बात सुन लें ना शर्मा साहब, अब अत्तर की बात तो सुन लें, मैं आपकी बात आराम से सुन लें। शर्मा साहब मैंने आप, शर्मा साहब यही तो आपका मसला, बात ही नहीं सुनते ना, उन्होंने आपकी बात आराम से सुनी थी तो हम उनसे सुनी थी। शर्मा साहब आपकी तरफ आती हूँ, सुन तो लेना, आप बीच में बोल, अत्तर साहब जवाब दे रहे, जवाब सुन ले फिर मैं आपसे जवाब दूँ। इन्होंने शर्मी बेशर्मी की बात की, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर बता दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा तो हम क्या करेंगे। अब मैं आपको बेशर्मी की एक मिसाल देता हूं, बेशर्मी की मिसाल ये है कि चाइना के फौजी अंदर आके बैठे हुए और मोदी साहब कहते हैं कि कोई तो हमारे मुल्क में तो कोई आया ही नहीं, ये होती है बेशर्मी। ये भाई भाईजान बैठे, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, आपके जूते पड़े हैं वहाँ पर, ये बात करें। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी आप शर्मा साहब बात तो सुन लें, शर्मा जी बात तो सुन लें, शर्मा जी आप शर्मा जी आप कैसे सुनेंगे? आप बात तो सुने उनकी आर्गुमेंट से बात करें ना, बात तो सुने शर्मा जी, बात तो सुन लेना। अच्छा क्या बताइए जी, क्या क्या पूछ जी, सुने अच्छा अतर एक मिनट, अतर मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। शर्मा साहब आपका कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं अतर से जवाब लेती हूँ। आपका कुछ सवाल है अतर से पूछिए, मैं फिर जवाब देती हूँ जी। इनका शर्मा जी को बस वो इनकी वही कौमी इनकी नेशनल बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, सवाल तो कोई नहीं इनके पास। शर्मा जी मेरी बात तो सुन लेना, प्रधानमंत्री ना, सवाल क्या था मुझे पता है, रोटी और बोटी का सवाल है, रोटी बोटी का सवाल है, आप नहीं पूछ पाएंगे इसे, मैं जानता हूँ वहाँ की मजबूरी के वहाँ के हालात। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस देश में भुट्टो साहब को जियारुल हक जैसे लोग जो है सरेआम फांसी पर चढ़ा देते हैं, आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, गुजर गए हैं शर्मा जी। आप अच्छा। जो है आपने अपनी बात कर ली, आपकी क्या बात कर रहे हैं, अभी 15 साल पहले तो मुशर्रफ ने किया, आप क्या बात कर रहे हैं, जमाने गुजर गए, बात तो सुने ना, की बात नरेंद्र मोदी की बात करें, ब्रिगेडियर हारिस, ब्रिगेडियर हारिस, अब इनको मुशर्रफ साहब याद आ गए हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात करें, इमरान खान की बात करें, कंपेयर करें, इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं किया था, बारी बारी बोले मैं किसी को नहीं समझ पाती। एक मिनट जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी, ये रोहित शर्मा को मुशर्रफ कहाँ से याद आ गए? बात यह है कि इनको याद इसलिए आ रहा है कि हर पुरानी बात याद, जनरल मुशर्रफ ने आपको सॉर्टेड करके रखा हुआ था,
इस वक्त इमरान खान की और नरेंद्र मोदी की बात करें, सही बात है, उसका हाथ इमरान खान का किसी इनके एंकर्स की बोलती बंद करवा देते थे मुशर्रफ साहब। आपके प्राइम मिनिस्टर का पूरे गुजरात के मुसलमानों के हाथ रखे हुए हैं, बाबरी मस्जिद में उसने क्या किया है, अभी माइनॉरिटीज के साथ किया, कश्मीर में जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने, उनके उनके बागात काट दिए, उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, कोई चीज आपने छोड़ी है, फिर भी वो जवान खड़े हुए आपके लड़ने के लिए, आपके फौज को मारने के लिए, अभी आपके कर्नल को रिकॉर्ड मेजर को मारा है, ये बुरहान वानी खड़े हो गए हैं, ये आप अपनी आजादी रहेंगे और पाकिस्तान की मदद करेगा, हमारा इखलाकी हक है, ये कानून है यूनाइटेड नेशन का, जनवा का कब्जा किया जाता है वो वहां पर आम कर सकते हैं, और ये वो करेंगे और करेंगे, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, और आपको पाकिस्तान की फौज का पता है कि वो बैटल हार्टेड है, 27 फरवरी मत भूलें, 7 रख मार के आप कहते हैं 300 लोगों को मार दिया आपने, पाकिस्तान की सरहद को आप क्रॉस कर नहीं सकते हैं, 2 जहाज गिरा लेते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर गिरा के भाग करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर गिरा दिया और बातें करते हैं, पाकिस्तान के खुदा के लिए कोई रियलिटी में आए रोहित, अपने हाथ बने क्लियर करें बात जी रोहित, अब जवाब दे दूं आप, अब कोई जवाब आपके पास रोहित शर्मा ब्रिगेडियर साहब की बात है जी, जी लेकिन प्लीज हवा में तीर ना छोड़िए, बात कीजिएगा आर्गुमेंट कर जी, नहीं नहीं सच में हवा में तीर नहीं, मैं आपके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बताऊंगा क्या थी, इन्होंने बोला कि दरख्तों पे बॉम्ब्स गिराए, अगर इनका जवाब मैं आपसे लूंगी आप जरा तैयार रहिएगा जी, इन्होंने बोला कि दरख्तों पे पेड़ गिराए, दरख्तों पे बॉम्ब गिराए और हमने बोल दिया 300 मारे गए, आपके मिनिस्टर ने शेख राशिद अहमद ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया, आपकी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि मदरसे पे बॉम्ब गिराया उसके अजहर मसूद के, कौन से किस ख्वाब में देखा था आपने, जिस ख्वाब में आपने हमारा जहाज गिराया था ना दरख्त की जगह, उसी ख्वाब में आपने किसी मिनिस्टर को बोलते हुए देखा होगा, कमाल है, मैं कह रहा हूँ शर्मा साहब आप पे झूठ बोला खत्म है, मुझे आज यकीन हो गया कि आपके आप लोग आपके अपने चैनल पे, एक मिनट मुझे याद करने दें, आपके किसी एंकर ने, मुझे याद नहीं पड़ रहा किसी एंकर ने प्रोग्राम किया बकायदा और आपको मुंह की खाना पड़ी जब वो कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जहाज है वो पुर्जे मारे जहाज के तो थी नहीं, तो मिग 21 के थे जो आप दिखा रहे थे एग्जांपल बना, याद है आप मुझे जवाब देने दे रही, अगर आप मुझे जवाब नहीं, आपकी बात से बात निकाल रही हूँ ना मैं तो, आपकी बात जब आप जवाब ही सही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछूंगी ना आपसे जी, जी पता है सीनियर जर्नलिस्ट है आपको नहीं पता है क्या, आपके उसमें क्या बोला था, मैं आपको बैंक दिखा दूं शेख राशिद की, मेरे पास है, आप मैं बोल रहा हूँ बोलने दीजिए ना, पता है कौन सी बात करें कहाँ की बात करें, आपको अच्छा कंप्लीट करें, आप पहले पूरी बात कंप्लीट करें, जो झूठ जो आप बोलना चाह रहे बोले पूरा, फिर मैं जवाब लेती हूँ अतर आपसे जी, जी रोहित बोलिए, मैं प्रूफ एक और दे रहा हूँ, आप कह रही है हिंदुस्तान में इंडिया में मुसलमानों पर बड़ी तशद्दुद होती है, अरे कौन सी तशद्दुद, एक बात सुनिए, पाकिस्तान से इंडिया मुसलमान आ रहे हैं, नेशनैलिटी ले रहे हैं, इंडिया से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, अब आप समझिए पाकिस्तान की क्या हालत है, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ जबान काट दी जाएगी, मर्डर हो जाएगा, आंख निकाल दी जाएगी, लेकिन रहेंगे यहीं, सीधे बोलते हैं मुस्लिम क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान, यहीं रहेंगे क्यों, मरने के लिए, एक तशद्दुद नहीं हो रही आपके यहाँ, मौका था फिर भी वो पाकिस्तान नहीं गए, वो इस देश के मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी है, अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं, आप लोग जुल्म कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे, ये है ये, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें जाके वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है और अन करीब वो लड़ेंगे आपके साथ, रेप किया गया, शियों के साथ क्या मसला है, किसने कहा शियों के साथ मसला, शिया पाकिस्तान के इलाके में आप शिया सब भाई हैं, रही बात माइनॉरिटी में हमारे साथ बारे में, वहां पर सुन लीजिए हमारी बात, इनको जवाब दे दो, सामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने अभी फतवा जारी किया है, एक मंदिर का निर्माण काम शुरू हो रहा था इस्लामाबाद में, लेकिन आपके यहाँ का मुसलमान कैसा है इस बात को आप देखिए, कि जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया और साफ साफ ये डायरेक्ट किया भैया यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, इसके लिए 2017 में ही मंजूरी मिल चुकी थी, 2017 से मंजूरी मिलने के बाद आज 2020 में बैठे 3 साल के बाद भी आप एक मंदिर का निर्माण, कृष्ण मंदिर वहां बनना था जिसका निर्माण शुरू नहीं हो सका, आप सोचिए ना कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है माइनोरिटीज पर जोर, 20% आप मुझे बताइए, मैं इसका जवाब अतर से लेती हूँ, आपकी बारे में बोलिएगा, मैं आती हूँ दोबारा दोनों शर्मा साहब की तरफ जी, आपकी
सिर्फ अतर को सुनना चाह रही हूँ, आप सबने बहुत बोल लिया, अतर काजमी को बोलने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। रोहित शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ, नीरज शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ, अतर। अच्छा जी, इन्होंने अभी अकलीतों की बात की, मसला ये है कि मुसलमानों के साथ एनआरसी के थ्रू जो कर रहे हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें लाखों मुसलमानों की नेशनैलिटी आसाम के एरिया में ये खत्म कर रहे हैं। दूसरी जानेब कश्मीर के अंदर इन्होंने जो नया कानून बनाया है उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो कश्मीर के अंदर 15 साल से रह रहा है या उसने मैट्रिक या FA वहां से किया हुआ है वो एलिजिबल है डोमिसाइल के लिए। ये पूरी डेमोग्राफी वहां पे चेंज करना चाह रहे हैं, कश्मीरियों को अकलियत में बदलना चाह रहे हैं, ये है फैक्ट। अब ये आके यहाँ पे शर्मा साहब उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं, आपकी बेशर्मी शर्मा साहब, जिस बेशर्मी से आप झूठ बोल रहे हैं वो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत और जो पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए कि कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं। बाकी शर्मा साहब की बेशर्मी, वो उस पर कायम है तो कायम रहे, उस पर हम क्या कहते हैं। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, आपके कंट्री में डोमिसाइल कितने है? अगर 15 साल में कश्मीर में मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 15 साल में डोमिसाइल जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, जवाब लीजिए, जवाब दिया आपने सवाल पूछा ना शर्मा साहब, जवाब दे रहा हूँ, रोहित आपने सवाल पूछा आपको जवाब दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि 15 साल में डोमिसाइल दे देते हैं, जो आप कह रहे हैं कि 40 साल से मुसलमान आए हुए बांग्लादेश से उनको हमने नेशनलिटी नहीं देनी, कश्मीर में जो 15 साल से रह रहा है या जिसने मैट्रिक कश्मीर से कर लिया उसको हम कश्मीर का डोमिसाइल दे देंगे, तो ये तो आपकी अपनी पॉलिसी है। जो मुसलमान वहां 50 साल से रह रहे हैं वो गैर हिंदुस्तानी है, उसको कह रहे हैं निकालो बांग्लादेश पे जो, और जो कश्मीर में बिहार से लोग आके हैं दूसरे सूबों से आए हैं वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है, इसलिए वो 15 साल से रह रहे हैं, ये तो कहीं आप खुद सोच रहे हैं क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? बाहर निकाले गए आप जरा रिकॉर्ड बताएंगे कितने निकाले गए? अमेंडमेंट एक्ट क्या निकाला, यही तो निकाले आपने, अमेंडमेंट एक्ट और NRC यही निकाले कि जॉब चल रहा है पुराना रिकॉर्ड ले क्या, वो अपना वो कहाँ से रिकॉर्ड ले कराएंगे? इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो मानिए किस चीज की इन्फिल्ट्रेशन, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, सारी तारे लगाई हुई है, बाढ़ पार लगाई हुई, रात को जनरेटर पूरी दिन तो दिन चढ़ा था, रात को कौन स्टेशन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत क्या है? आपने तो खुद अपने आप पंप को लड़ा मार के वो वहां पर हानि पैदा करते हैं, अब आपको मारेंगे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने आप तमाशा देखने का कि फौज को कैसे मारते हैं वो, इसलिए क्या कि फौज तो लड़ाई के काबिल ही नहीं है, जूते खा गया ये अभी जब प्रधानमंत्री इनको मारेगा यहाँ पर जो पैदा हुए हैं, इसलिए ये बात फौज की लड़ाई की बात छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है, चूड़ियां पहने और जाके ढोल बजाएं, ये आपकी तरफ फौज कर सकती है, इसलिए ये बातें नहीं हमारे घर करें, आपने पाकिस्तान को बस कर लिया 27 फरवरी को, इसलिए ये ना करें। अब आप अभी आप बात करें, आप बात करें टेबल पे बैठ के बात करें, यही एक हल है मसाइल हल करने का। सुन लीजिए 2 मिनट, आप मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं, आप कश्मीर के मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, कश्मीर पूरा हिंदुस्तान नहीं है और इस देश के हर एक मुसलमान का, शर्मा साहब सिर्फ मुसलमानों को माइटी नहीं, आपके यहाँ जो सिख बिरादरी सफर कर रही है, क्रिश्चियन सफर कर रहे हैं, हम तमाम माइनॉरिटीज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जुल्म होगा तो हम बात करेंगे, हिंदू मजहब सिखों के हक में भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं आपके हिंदुओं में जो आप लोग कहते हैं छोटी जात पात जो गलत होते हैं, मुझे बताएं, हम उनके लिए भी बात करते हैं क्योंकि हम इंसानियत के लिए बात करते हैं, हम मजहब देख के बात नहीं करते, हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। वो है ही नहीं कातिल के उससे बात की जाए, वह चीन के जुल्म पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मजबूरी है आपकी, चीन से जुल्म नहीं मिलेगा, रोटी और बोटी का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और भाई साहब आप छोड़ दें, आपने जो जुल्म इंडिया में कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, अभी यूनाइटेड नेशन ने जो कमीशन किया रिलीजन फ्रीडम के, उनकी रिपोर्ट देखें आप, अगर इसकी बात है तो जम्मू कश्मीर में आने देना यूरोपियन यूनियन को, उनको यूनाइटेड नेशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर को आने दें, उनको कोई आगे देखें दिखाएं, पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी आना चाहते हैं आप आना चाहते हैं, आप कश्मीर में आगे देखें कि वहाँ कितने लोग खुश हैं, आपको आगे बढ़ना।